नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आहूजा 500 वाट स्पीकर का मैग्नेट आउट होकर जो आया है उसका सेंटरिंग करेंगे। इस स्पीकर का सेंटरिंग बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे ताकि आप भी अपने घर पर इस स्पीकर का सेंटरिंग आसानी से कर सकें। दोस्तों, जब मैं रेडीमेड कॉइल यूज़ करता था, मार्केट से कॉइल लेता था, तो इस स्पीकर के लिए मैं हरदम कन्फ्यूज रहता था इसमें मैं कौन सा कॉइल यूज़ करूँ, क्योंकि मार्केट में जो 4 इंच का कॉइल अवेलेबल है वो या तो 600 वाट का है या 800 वाट का है, और उस कॉइल का तार मोटा होता है, और अगर वो कॉइल अगर हम इस स्पीकर में लगा देते हैं तो मैच नहीं करता है। तो अक्सर कंप्लेन आता था कि पहले के जैसा स्पीकर नहीं बज रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आहूजा 500 वाट का कॉइल बनाना भी बताएंगे और बाद में स्पीकर बना करके भी दिखलाएंगे। तो वीडियो लंबा होने वाला है, तो एक वीडियो में ना बना करके हम इसको 3 पार्ट में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम आपको मैग्नेट सेंटरिंग कंप्लीट दिखाएंगे, सेकंड पार्ट में हम इसका कॉइल कैसे बनाएं मेजरमेंट के साथ बताएंगे, और थर्ड पार्ट में आप इसको कैसे रिपेयरिंग आसानी से घर पर कर सकते वो बताएँगे। तो चलिए मैग्नेट सेंटरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्पीकर का मैग्नेट, जो ऊपर का रिंग आउट हुआ है, उस रिंग को निकाल लेते हैं। दोस्तों, आहूजा 500 वाट में स्पीकर का मैग्नेट आउट होने का बहुत सारा कंप्लेन आता है। अक्सर महीने दो महीने में एक स्पीकर आ ही जाता है, और अगर हम 10 स्पीकर अगर हम मैग्नेट आउट सही करते हैं तो उसमें 2 से 3 स्पीकर आहूजा 500 वाट होता है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है ये तो नहीं पता, बट आहूजा वालों को सोचना चाहिए क्योंकि उनका स्पीकर इतना मैग्नेट आउट क्यों होता है। अच्छा स्पीकर मैग्नेट आउट होकर के ख़राब हो जाता है। इस स्पीकर का कॉइल अच्छा था, कॉइल जला नहीं था, बट मैग्नेट आउट होने की वजह से कॉइल घस करके ख़राब हो गया। तो सबसे पहले हम बास्केट में लगा हुआ मैग्नेट का जो रिंग है उसको ग्राइंडर से साफ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ग्राइंडर से ही हम मैग्नेट का जो है वो एरालाइट निकाल देंगे। देखिए, बास्केट का एरालाइट निकल गया है, अब मैग्नेट को भी ग्राइंडर से साफ कर लेते हैं। अगर हम ग्राइंडर से साफ़ नहीं करेंगे तो एरालाइट बराबर से साफ़ नहीं होता है, थोड़ा सा सरफेस बचा रह जाता है। तो सेंटरिंग करते टाइम जो है मैग्नेट ऊपर नीचे हो जाता है और अच्छे से चिपकता नहीं है। तो देखिए, मैग्नेट भी साफ़ हो गया है, बास्केट भी साफ़ हो गया है। मैग्नेट सेंटरिंग करने के लिए ये 10 नंबर का सीट है जिसको हम पतला पतला काट लिए हैं, और ये देखिए 8 सीट का एक एक बंडल हम बना करके उसको टेप से चिपका दे रहे हैं। ये 8 सीट का बंडल हम एक अंदाज से बना रहे हैं, वो कम और ज़्यादा भी हो सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं, सर आपको पता कैसे चलता है इसमें 7 सीट ही लगेगा या 8 सीट ही लगेगा, ये लूज हो सकता है या टाइट हो सकता है, आपको पता कैसे चलता है? तो दोस्तों, ये हमें भी पता नहीं होता है, एक हम अंदाज से बनाते हैं। तो हमने 8-8 सीट का 4 बंडल बना लिया है। अब उसको चिपकाने के लिए देखिए एरालाइट हम निकाल ले रहे हैं, एरालाइट का दोनों पार्ट निकाल करके फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको हम ब्लैक कलर से कलर कर देंगे। दोस्तों, कभी भी हम कलर करने के लिए, ब्लैक कलर करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ उपयोग करते हैं, बट मेरा जो पसंदीदा है वो है जेरोक्स कलर। जेरोक्स कलर में क्या होता है कि कोई केमिकल नहीं होता है, तो जो एरालाइट का बाउंडेशन होता है वो रिएक्शन करके ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए जेरोक्स कलर हम मिक्स करके इसको ब्लैक कलर कर दे रहे हैं। वैसे करने के लिए ऑयल पेंट भी है, मार्कर कलर भी है, और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं, बट मेरा पसंदीदा जो है वो जेरोक्स कलर है। तो जेरोक्स कलर मिक्स करके हम एरालाइट बना लिए हैं, और इसको अब हम बास्केट और मैग्नेट में थोड़ा थोड़ा बाहर के सरफेस में लगाएंगे, अंदर के सरफेस से थोड़ा सा छोड़ते हुए आउटर साइड में लगाएंगे। इनर साइड में नहीं लगाने के लिए मैं हरदम इसके लिए मना करता हूँ कि जब हम एरालाइट लगाते हैं तो जब मैग्नेट और बास्केट के बीच में जब प्रेस होता है तो बह करके अगर अंदर कॉइल की तरफ चला गया तो एक बार चिपकने के बाद साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम थोड़ा सा सरफेस अंदर की तरफ छोड़ देते हैं और अगर एरालाइट चिपक करके प्रेस होकर के अंदर की तरफ जाता है तो जो सरफेस छोड़ा हुआ है वहीं पर जाके चिपक जाता है। तो ये देखिए, जो हमने 8-8 सीट का बंडल लगाया था उसको हम चारों तरफ से लगा दे रहे हैं, और उसके बाद उसको एक टेप से बांध देते हैं ताकि वो इधर उधर हिले नहीं। तो टेप से बांध करके और इसको एक जगह चार कॉर्नर पे सेट कर देते हैं। ये देखिए, चारों कॉर्नर पे 8-8 सीट की पट्टी सेट हो गया है। अब इसके ऊपर हम एरालाइट लगा हुआ बास्केट को रख देंगे। ये देखिए, बास्केट सेट हो गया, बट अब चेक करते हैं लूज़ तो नहीं है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 सीट होने के बाद भी एक साइड गैप कम, एक साइड गैप ज़्यादा हो गया है, लूज़ है। तो अब इसको कैसे पैकिंग करेंगे वो देखिए। तो 8 सीट के बाद हम 2 सीट और डालेंगे उसमें, जिधर लूज़ है उधर। 8 सीट + 2 सीट 10 सीट, 10 नंबर के 10 सीट लगा दिए, अभी भी लूज़ बैठ रहा है। और इधर इसको ड्राइवर से मैग्नेट को खिसका देंगे और वापस इधर की पट्टियों में 2-2 और सीट डाल करके 10-10 सीट चारों साइड से लगा देंगे। तो 10-10 सीट चारों साइड से लगा देने के बाद ये परफेक्ट चारों साइड से सेंटरिंग हो गया है, मैग्नेट सेंटरिंग परफेक्ट हो गया है। तो अब इसको और परफेक्ट करने के लिए हम 10-10 नंबर की 10-10 सीट लेकर के बीच में जहाँ खाली जगह है वहाँ पे भर देंगे। ऐसे टोटल हम 6 पट्टी लगाएंगे। तो 6 पट्टी लगाने से क्या होगा कि चारों तरफ से देखिए सेंटरिंग परफेक्ट हो गया है। ये सेंटरिंग चारों साइड से थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए चारों साइड से परफेक्ट सेंटरिंग हो गया है। तो अब हम एक कपड़े में थोड़ा सा एनसी थिनर डाल करके, और एनसी थिनर जो है ये डाल करके, और जो मैग्नेट के ऊपर एक्स्ट्रा एरालाइट लगा हुआ है उसको हम साफ़ कर देंगे। इससे क्या है सेंटरिंग एकदम क्लियर चिकना दिखेगा। ये देखिए जो एक्स्ट्रा एरालाइट लगा हुआ है उसको थिनर लगा करके हम पोंछ देंगे तो मैग्नेट एकदम से साफ़ हो जाएगा और साफ़ सुथरा अच्छा दिखेगा। अब इस सेंटरिंग किए हुए मैग्नेट को सूखने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 4 घंटे के बाद ये सूख गया है। तो अब हम सेंटरिंग की हुई पट्टियों को निकाल देते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी आने वाली वीडियो है आहूजा 500 वाट कॉइल आप कैसे बना सकते हैं। इस कॉइल का मार्केट में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। आहूजा 500 वाट का परफेक्ट कॉइल मार्केट में मिलता ही नहीं है। तो लोग बड़े साइज़ का कॉइल डाल देते हैं, जाड़े वायर का कॉइल डाल देते हैं तो साउंड का फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। तो अक्सर कंप्लेन आता है कि पहले जैसा स्पीकर नहीं बज रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आहूजा 500 वाट्स का कॉइल कैसे घर पे आप बना सकते हैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताएंगे, किस गेज का वायर यूज़ करें, कितना टर्न यूज़ करें, और एकदम आहूजा 500 वाट का परफेक्ट कॉइल आप अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो दोस्तों उसके अगले वीडियो में हम इस आहूजा 500 वाट स्पीकर का पूरा रिकॉर्डिंग कैसे करें बतलाएंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम 3 पार्ट में बना रहे हैं, बट तीनों पार्ट अपने आप में कम्प्लीट होगा। मैग्नेट सेंटरिंग करने के लिए मैग्नेट सेंटरिंग का वीडियो देखिए, कॉइल बनाने के लिए आप कॉइल का वीडियो देखिए, और स्पीकर रिकॉर्डिंग करने के लिए आप स्पीकर रिकॉर्डिंग का वीडियो देखिए। आप चाहे तो तीनों वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।